भाई मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी, मेरे से गाड़ी चली भी नहीं जा रही थी, तो सोचा थोड़ा सा पावर नैप ले लेते। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अगेन माय न्यू व्लॉग, और स्वागत है आपका फिर से मेरे इस न्यू व्लॉग में। न्यू व्लॉग तो नहीं, उसी व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ रात में मैंने मस्त अपनी स्कूटर चार्जिंग कराई और बैंगलोर करीब करीब हमारे लिए अभी बैंगलोर यार सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर बचा हुआ है। एंड सी दिस इज गाइस ओला हाइपर चार्जिंग स्टेशन, जो कि कोई BPCL पेट्रोल पंप पे नहीं, रेस्टोरेंट के गार्डन में, जो कि पार्किंग एरिया है रेस्टोरेंट का। ऐसा बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग है और बहुत दिनों के बाद फर्स्ट टाइम मैंने ओला हाइपर चार्ज यहाँ पर स्टार्ट किया है, और इसके बाद तो बैंगलोर में बहुत सारे हाइपर चार्जिंग स्टेशन से फटाफट चार्ज कर लेते यार। ओला हाइपर चार्ज इतना फास्ट चार्जिंग है यार, सच में बहुत ज़्यादा फास्ट। देखना गाइस, देखते देखते 25% हो गया, और अभी 20 मिनट पहले मेरे स्कूटर में चार्जिंग थी गाइस 2%, और मैं कैसे कैसे लेके आ रहा था, मतलब पेट्रोल पंप पे जो अपना स्लो चार्जिंग होता है उससे चार्जिंग कर रहा था, कहीं पर अगर स्लॉट मिल जाए उधर लगा के चार्जिंग कर रहा था, बट चार्जिंग करके धीरे 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 आगे लेके आ रहा था। बट चलो फाइनली हाइपर चार्जिंग स्टेशन मिल गया भाई, सबसे ज़्यादा इंडिया में ओला के हाइपर चार्जिंग स्टेशन बैंगलोर में और एथर के भी भाई, ये दोनों के इतने ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन है भाई, मतलब अल्टीमेट लेवल के यार। आप गिनने लग गए हो ना तभी भी आपको पता नहीं चलेगा कितना सारे चार्जिंग स्टेशन है। हम आउट ऑफ बैंगलोर जाते हैं भाई, एक चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलता है, हाइपर चार्जिंग तो छोड़ो नॉर्मल भी नहीं मिलता है। और ये गाइस देखना, ट्यूब टायर के जो कि यार रबर के भाई, बहुत मस्त है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त चलते हैं। अभी निकलते फटाफट चार्जिंग करते हैं, और व्लॉग करते करते गाइस कितनी फास्ट चार्जिंग हो गई आपको दिखाता हूँ। गाइस देखना 30% चार्जिंग, और अभी देखा था हमने 22, तो बहुत फास्ट चार्जिंग है। अभी थोड़ी देर और चार्जिंग कर लेता हूँ और देन फिर निकलते सीधा बैंगलोर, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ये भी बैंगलोर में ही आता है, मतलब बैंगलोर से साइड में। तो चलो अभी फटाफट चार्ज करते हैं और देन फिर निकलते हैं यहाँ से मस्त अपने डेस्टिनेशन पे बैंगलोर से, बैंगलोर से सीधा फिर हाइपर चार्जिंग है, तो वहाँ पर भाई बहुत मस्त बकाएंगे, बिकॉज ऑफ हाइपर चार्जिंग स्टेशन है, थोड़ी दूरी पर हाइपर चार्जिंग स्टेशन है, तो जाकर वहाँ पर लगाएंगे सीधा। और राइट नाउ यार इतना मस्त सा व्यू आ रहा है ना, और ये है NH 78, क्या था यार, कुछ तो था 78 था आई थिंक सो। सो चलो चलते स्ट्रेट फॉरवर्ड, 40 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर तो और ज़्यादा अंदर हो गया बैंगलोर, बैंगलोर में इंटर होने के लिए 40 किलोमीटर ही लगने वाले, तो चलो। सो चलिए चलते अभी यार, ये व्यू दिखाने के लिए मैंने करीब करीब आधा घंटा फाइल ट्रांसफ़र करी रोड पे लैपटॉप निकाल के गाइस। सो ये जो वाला व्यू है गाइस बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है, ये वाला दिखाना था व्यू गाइस, कितना सेक्सी लग रहा है यार सच में। बैंगलोर सिटी में आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मुंबई में ही हूँ सच में यार, मतलब सेम फीलिंग, सेम नो चेंजेस, एकदम भीड़ भीड़ वाली लाइफ, ओय 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 पिंग पिंग। चलो 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 भगा भगा यहाँ से, तो भाई साहब क्या मस्त लग रहा है गाइस। सबसे पहले जाते हैं यार अपनी ओला हाइपर चार्ज को लगाने, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने स्कूटर को चार्जिंग रखना, नहीं तो क्या ही है। देखते गाइस अभी अपनी ओला स्कूटर कहाँ पर हाइपर चार्जिंग के लिए जाएगी, जगह कहाँ पर है, कहाँ 5 किलोमीटर जाना है गाइस, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। विठल जय हरि विठल, चल के सके पंडरीला जय हरि विठल। सो गाइस यार अभी हमको 3.2 किलोमीटर कंप्लीट करना है, और बहुत ज़्यादा चलाई यार हमने स्कूटर इन 2 दिनों में, स्कूटर की जान निकाल दी। जाते हैं अभी फटाफट अपने डेस्टिनेशन पे, मस्त जाकर चार्जिंग करते हैं। और मैंने तो यार सोचा ही नहीं था कि मैं इतना दूर तक ट्रैवल कर पाऊँगा एक दिन में, 350-350 किलोमीटर हमने एक दिन में ट्रैवल किया है। तो इसके लिए तो एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी कमेंट्स हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना।
100% ओला चार्ज हो चुकी है और अभी निकलते 100% इट मीन्स 128 किलोमीटर रेंज जो कि यहाँ पर इको मोड पे दिखाता है और नॉर्मल मोड पे 101 किलोमीटर जो कि इको मोड पे हम चलाएंगे तो 100 किलोमीटर की रेंज आसानी से मिल जाती है। सो चलो चलते भी निकालते, ये रही अपनी ओला और लेट्स गो गाइस। भाई स्टॉप चार्जिंग, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लेट्स गो। ये मैं यहाँ पर रुका बिकॉज ऑफ वहाँ पर एक छोटा सा ढाबा था तो थोड़ा बहुत खाना खा लिया और यार सच में मेरी नींद नहीं हुई है ना तो चलाने का थोड़ा सा भी मन नहीं कर रहा है। धीरे धीरे जाऊँगा 40-42 जो कि यार भगाने से क्या ही मिलेगा, भगाऊँगा तो फिर बाद में वहाँ पर चार्जिंग कम होगी तो वो चार्जिंग फिर से भरने के लिए टाइम भी लगेगा तो ऐसा सीन है। चलो यार मुझे भी क्यों लग रहा है अभी एथर लेना चाहिए, बट यार एथर की रेंज बहुत कम है, एथर तो ये चैलेंज एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगी भाई साहब, फट जाएगी उसकी क्योंकि यार 80-90 किलोमीटर की रेंज पकड़ती है सिर्फ। एथर की यार रेंज मैक्स टू मैक्स 100 किलोमीटर है, वो भी ड्रॉप होके आ जाती है 80-90 किलोमीटर तक। यार मेरे आँख क्यों बंद हो रहे हैं अचानक से, एकदम आँख बंद हो जा रहे हैं, आँख बंद हो जा रहे हैं। तो यार अभी ऐसे लग रहा है कि होटल बुक करके मस्त एकदम थोड़ी 4-5 घंटे की नींद ले लूँ, बट यार अभी होटल बुक करूँगा ना अभी तो यार 3 बजने के लिए आ चुके, 3:30 रात में बुक करता हूँ तो नाइट होटल में निकालूंगा। स्टे ट्यून गाइस और लास्ट तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। अभी यहाँ से सीधा नेक्स्ट जो ओला एक्सपीरियंस सेंटर है वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ से फिर नेक्स्ट ओला एक्सपीरियंस सेंटर, देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट ओला एक्सपीरियंस सेंटर, ऐसे करने वाले। और बहुत ज़्यादा नींद लग रही है तो देखते अभी कहाँ पर अगर जगह मिल गई तो वहाँ पर पावर नैप ले लेंगे और देन फिर अगला डिस्टेंस कवर करेंगे, क्योंकि यार नींद लग रही है तो फिर बिना मतलब का गाड़ी मत चलाओ। भाई मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी, मेरे से गाड़ी चली भी नहीं जा रही थी तो सोचा थोड़ा सा पावर नैप ले लेते, 10-15 मिनट का पावर नैप ले लिया। अभी चलते निकलते जो बचा कुचा डिस्टेंस है ना कंप्लीट करते हैं। ये देखना गाइस इतना कुछ सामान है अपने स्कूटर पे, एक ये मेन ट्रॉली अपनी और देन फिर ये लैपटॉप बैग, बस और कुछ नहीं, ये सब तो डिक्की में भर रखा है मैंने, खाने पीने का सामान चार्जर वगैरह। यहाँ से हमको स्ट्रेट जाना है जो कि अभी 40 किलोमीटर जाना है और चार्जिंग तो बहुत सारी बची हुई है, अभी चार्जिंग यार 74 किलोमीटर चली जाएगी जो भी नॉर्मल मोड में 71% चार्जिंग बची हुई है, मैं कम कर दूँ ताकि चार्जिंग थोड़ी बहुत बचा। चलो देखना गाइस, एक ने हेलमेट पहना है, एक ने हेलमेट हाथ में रखा है, एक का हेलमेट ही नहीं होगा, ऊपर से 3 लोग स्कूटर पे बैठे हैं, नहीं इसको तो नहीं आगे आने दूंगा, चल हट भाई साहब, चार चार। निकालेगा, निकल जाएगी, चलो थोड़ा स्पोर्ट्स, चलो आज सुपरवाइजर चलो एथर ग्रिड पे अपनी ओला चार्जिंग के लिए लगाई है और जाते हैं अभी आगे, वहाँ पर है एथर ग्रिड और हम जा रहे हैं आज साइड क्योंकि इस साइड है मैकडोनल्ड्स और एडिटिंग वगैरह कर लेता और देन फिर निकलते सीधा भाई, क्योंकि और 100 किलोमीटर मुझे कवर करना है जो कि मैंने टारगेट कर रखा है। ये देखना गाइस चलते चलते हम आ भी गए, यहाँ पर है मैकडोनल्ड्स जो कि इसके पीछे सुजुकी के पीछे लिखा हुआ है, KFC भी है भाई यहाँ पर। सो गाइस यार अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और इस व्लॉग को मैंने अब तक एंड नहीं किया है तो अभी निकलने का वक्त है और रात में मैंने होटल बुक किया था जो कि 800 रुपये का पर नाइट पड़ा था, तो ये देखना ऐसा कुछ रूम है, ऐसे कुछ रूम है और इस रूम में एक बेड और देन बैठने के लिए यहाँ पर हगने मुतने के लिए उधर है, तो देखना भाई सब गर्म पानी भी नहीं आ रहा था इसमें तो उन्होंने कुछ तो करके दे दिया भाई जुगाड़, फिर आ गया पानी। तो चलो अभी चलते निकलते और यहाँ पर मिरर जो कि भाई कुछ ऐसा लुक है अपना, तो निकलते चलो अभी आप
आज हमको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, बिकॉज अब कल तो हमने कुछ भी नहीं किया, कल करीब करीब हमने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ओनली कवर किया है और कुछ भी नहीं किया कल, क्योंकि ऐसे ही टाइम पास चल रहा था भाई, यहाँ वहाँ घूम रहा था। सो थोड़ा बैंगलोर भी देख लिया था, भले मैंने ब्लॉग नहीं खींचा ज़्यादा, बट हाँ थोड़ा बहुत देख लिया था बैंगलोर। तो चलो चलते निकलते अभी फटाफट, अभी मस्त सुबह के 7 बज चुके हैं। इस ब्लॉग का एंड करता हूँ यहाँ पर है, और मिलता है अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में यहाँ से नेक्स्ट ब्लॉग शुरू होने वाला है, सो लेट्स गो। Bye bye, stay tuned, Tata, take care.